नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज, मैं हूं अंकुर पांडे। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा दांव खेला है। केंद्र ने सोमवार को अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले और वर्तमान में गुजरात के दो जिलों में रह रहे हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों को नागरिकता कानून 1995 के तहत भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बजाय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता देने का यह कदम महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि CAA अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का भी प्रावधान करता है। चूंकि अधिनियम के तहत नियम अब तक सरकार ने नहीं बनाए हैं, इसलिए इसके तहत अब तक किसी को भी नागरिकता नहीं दी जा सकती है। यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर बयानबाजी जारी है। इसी सब के बीच बरेली के मदरसा तालीम बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने मौलाना अरशद मदनी पर निशाना साधते हुए कहा कि मौलाना मदनी इस तरह का बयान देकर फिजा को खराब करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में लोग समाज के अंदर नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, समाज के अंदर अस्थिरता फैलाते हैं और इन लोगों को लगता है कि अगर मुसलमान का बच्चा पढ़ लिया तो इन खानदानी लोगों को सलाम कौन करेगा। अव्वल तो आपने कहा कि कुछ लोग शुरू से ही इसका विरोध कर रहे हैं। अगर आप गौर करेंगे, चीजों को ठीक से देखेंगे तो वही लोग विरोध कर रहे हैं जो खानदानी लोग हैं, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, बड़े लोग हैं, पहुंचे हुए लोग हैं, जो हर तरीके से सारी चीज़ों का, सारी सुविधाओं का दुनिया में उपयोग करते हैं और बड़े खुशहाल लोग हैं, खानदानी लोग हैं, वो हटेंगे, उनका बेटा होगा, उनका भतीजा होगा, ऐसे करके लोग हैं। इस तरह के लोग इस तरह की भाषा बोल करके सर्वे के माहौल को ख़राब किए। लेकिन हमने संवाद किया, हमने लोगों से बात किया। आज बहुत खुशी के साथ मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर जो गैर मानता मदरसे थे, उन्होंने बेहतरीन सहयोग किया और बहुत शानदार ढंग से सर्वे हुआ। तो कुछ लोगों को ये अच्छे ढंग से सर्वे होना रास नहीं आ रहा है कि इतना से सर्वे कैसे हो गया प्रदेश के अंदर, और बड़े कॉपरेट करके लोगों ने, बड़े अच्छे ढंग से लोगों ने इस सर्वे को अंजाम दिया है। राजधानी दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ चौहान बांगर इलाके की मंदिर वाली गली में श्रीराम सिटी नामक बैंक ने शिव मंदिर परिसर में सील लगा दी है और बैंक कर्मियों के अनुसार उनके बैंक से यशोदा नाम की महिला और विष्णु नाम के एक पुरुष ने 34,81,090 रुपए का लोन लिया था और समय पर लोन की किस्त अदा नहीं की, जिसके बाद कोर्ट के आदेश को लेकर ये बैंक कर्मचारी पहुंचे और मंदिर के पास एक कमरे को सील कर दिया गया। जब इस बात की जानकारी क्षेत्र के पूर्व निगम पार्षद चौधरी जुबेर अहमद को पहुंची तो वह अपने समर्थकों के साथ मंदिर वाली गली पहुंच गए और पुलिस प्रशासन और बैंक कर्मचारियों से सील न लगाने को लेकर बहस करने लगे, जिसके बाद बैंक कर्मियों ने पूर्व निगम पार्षद को कोर्ट के आदेश दिखाए, जिसके बाद चौधरी जुबेर अहमद ने कोर्ट का सम्मान करते हुए मंदिर परिसर में बने कमरे पर सील लगाने दी। ऐसा भी हमारे यहाँ के काउंसलर जुबेर भाई ने बताया कि मंदिर है ये, और मैं आपको ज़्यादा समय लूँगा, छोटी सी एक क्लिप दिखाता हूँ आपको। ये EDMC का ऑर्डर है, आप इसको तो देख लें एक बार। इस EDMC के ऑर्डर को मैंने बैंक को दिखाया, मैं समझता हूँ कि वो कोर्ट का ऑर्डर लाएँ, इस टाइम उनको कोर्ट का ऑर्डर जो है कंप्लेन करना ज़रूरी है। लेकिन जैसे सवाल उठता है कि श्रीराम बैंक ने या श्रीराम फाइनेंस यूनियन लिमिटेड जो भी है, वो उन्होंने लोन दिया है मंदिर को, वो लोन कैसे दे दिया? आज तो बीच में दीवार भी हो रही छोटी सी, जिस पर लोन डिस्बर्स हुआ था उस तो बीच में कोई दीवार नहीं थी। तो उनको पूरा यहाँ पर जो सर्वे करना चाहिए था, लोगों से पूछना चाहिए था, यहाँ पर पीपल का पेड़ भी है, यहाँ पर मंदिर भी है, यहाँ पर लोन दिया जाए या ना दिया जाए। लोन पे था, कोर्ट के ऑर्डर हुए थे सर पे, इसी में मैं कोर्ट रिसीवर हूँ और मैंने कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसको सील कर दिया। कितना लोन बताइए, कौन सा ये अपना बैंक है, किस बैंक के से? सर, श्रीराम सिटी यूनियन का। यही तो हम बैंक से पूछ रहे हैं कि मंदिर पे लोन कैसे दिया जा सकता है। मैंने तो कई बुलाए हैं अपने भाई ऐसे जिनको थोड़ी जानकारी है, क्या मंदिर बेचा जा सकता है, वो मुझे बैंक बता दे कि मंदिर ने लोन दे दिया और आज कमाल देखो, दिल्ली के अंदर मंदिर को सील किया जा रहा है आपके सामने। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।